जिस प्रकार से आपने भी हिस्सा लिया यहाँ पे, लेकिन इस तरह से जब एक शादी हो जाती है उसी को गुपित रखा जाता है और इन्हें पैसे दिए जाते हैं, उन तमाम चीजों के लिए एक इतना बड़ा हाइप क्रिएट किया जाता है कि ये लाइव शादी रहेगी, क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता कि ये कोई पैसे दिए गए हैं। ये पैसे जो वाली बात है अभी तो मुझे इसमें हजम नहीं हो रही कि 50 लाख रुपए दे के शादी करवा रहा है बिग बॉस। बिग बॉस वैसे ही सुपरहिट प्रोग्राम है, उसे किसी को पैसे दे के ये सब काम कराने की जरूरत नहीं है। ये वो कोई चीज गलत कराएंगे तो उनके प्रोग्राम के लिए बुरी बात है और पूरी दुनिया का जो विश्वास बिग बॉस पे है, जैसे हमारे जैसे लोगों का जो ऑलरेडी रह चुके हैं, हमारा पूरा विश्वास है कि इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो हमारा भी दिल टूटेगा और व्यूअर का भी दिल टूटेगा। और चलते चलते आखिरी में और संक्षेप में मैं आपसे ये बिंदु जी जरूर जाने की कोशिश करूंगा, क्या टीआरपी की होड़ में, टीआरपी की रेसिंग में आज कंप्लीटली जो एक रियलिटी शो के फॉर्मेट होते हैं उस फॉर्मेट के साथ भी खिलवाड़ किया जाता है, जबकि उसकी जो जान होती है रियल उसी के साथ में, कितना कारगर साबित होता है कि जो दर्शक देखना चाहता है वो नहीं देख पाता है और तमाम चीजें जो आती है वो सारी स्क्रिप्टेड और एक बनावटी नजर लगती है? हाँ, नहीं, इसमें क्या होता है बिग बॉस के अंदर क्या होता है कि हम 13 कंटेस्टेंट अंदर जाते हैं और 24 घंटे वो लोग हमारी बातें सुनते हैं कान से। तो अगर आज हम लोग कोई चीज ऐसी बात कर दें जो उनको लगता है अरे वाह ये तो टीआरपी बढ़ाएगी और सीरियल को हिट करेगी, तो ऑब्वियसली वो लोग छोड़ेंगे नहीं ऐसे।